वेलकम टू माई चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खा पी रहे होंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि चावलों को कुकर में कैसे बनाना है, और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी जो लोग चावल बनाना सीख रहे हैं, या जो लोग अकेले रहते हैं, खाना अकेले बनाते हैं, और जिनसे चावल नहीं बन पाता है, जिसे या तो कच्चे रह जाते हैं या तो एकदम से गीले हो जाते हैं, दे मे गेट कन्फ्यूज। बट मैं आपको बता दूँ कि चावलों को हिसाब से बनाना, पानी डालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगी। और जो लोग जिन लोगों को वीडियो मतलब वीडियो में लगता है कि कुछ यूज़फुल नहीं है, लेकिन उन फिर भी प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चलो फिर शुरू करते हैं बनाना। देखिए मैंने यहाँ कच्चे चावल का यूज़ किया है, ये देखिए। अब मैं इसको पर पर्सन के हिसाब से ऐड करूँगी। अब मैं पर पर्सन के हिसाब से इसमें चावल ऐड करूँगी। ये देखिए, ये पर पर्सन मतलब एक आदमी के चावल का हिसाब। अगर आप एक बंदे के लिए बना रहे हैं या खुद के लिए बना रहे हैं तो आधी कटोरी चावल, तो इस हिसाब से हमें लेना है हाफ कटोरी पर पर्सन। तो मुझे अगर तीन लोगों का खाना बनाना है तो डेढ़ कटोरी, अगर चार लोगों का खाना बनाना है तो दो कटोरी, और इसी हिसाब से अगर पांच लोगों का खाना बनाना है तो ढाई कटोरी। हाफ कटोरी वन पर्सन के लिए, सेकंड हाफ कटोरी सेकंड पर्सन के लिए, थर्ड हाफ कटोरी थर्ड पर्सन के लिए, और फोर्थ हाफ कटोरी फोर्थ पर्सन के लिए। यहाँ हम कच्चे चावल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए पानी मैं यहाँ दो कटोरी चावल पे तीन कटोरी पानी डालूंगी। अगर हम पक्के चावल यूज़ कर रहे होते तो दो कटोरी चावल में चार कटोरी पानी ऐड करते हम। मैंने यहाँ चार लोगों के लिए चावल ऐड किए हैं, अब हम चावलों को अच्छे से धो लेंगे। देखिए मैंने चावलों को अच्छे से धो लिया है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। एक, दो, तीन कटोरी पानी हमने ऐड कर दिया है। अब चाहो तो एक बार आप नाप के भी देख सकते हो, नापने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। पानी का लेवल चावलों से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, देखिए एकदम थोड़ा सा ऊपर है पानी का लेवल, तो इसका मतलब पानी हमने बिल्कुल हिसाब से डाला है। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे। अब हम एक सीटी आने तक चावलों का वेट करेंगे। देखिए गाइस एक सीटी आ गए हैं, अब हम इसका फ्लेम जो है लो कर देंगे और हम इसको अभी दो मिनट बाद बंद करेंगे। याद रहे कि गैस बंद करते ही आपको इसको थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए रख देना है, इसका एयर को आपको नहीं निकालना है, एयर जो है अपने आप निकल जाएगी, और उसके थोड़ी देर बाद आपको इसको ओपन करना है। देखिए सीटी निकल गई है, अब हम इसे ओपन करेंगे। ये देखिए चावल एकदम पक गए हैं, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितने खिले खिले चावल हुए हमारे। ये देखिए प्रेशर कुकर में कच्चा चावल बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज मैंने वीडियो के चक्कर में अपने घर वालों को भगा दिया है,
आई होप आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी आगे आने वाली रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे जितनी भी नोटिफिकेशंस आएँ आपको सबसे पहले मिलें। और अगली रेसिपी में मिलते हैं, बाय, टाटा।